Hello students, good morning. Standard 8, subject social science, first semester. 1 to 5 chapter complete ho chuke hai. Textbook and workbook mein. Abhi karenge revision 1, unit 1 to 5. Let us remember. Ye hume SS ki notebook mein karna hai pura, jo bhi kara rahi hun. Let's understand. Reason of the coming of the Europeans to India. First ka answer. पूरा रिवीजन 1 एसएस की नोटबुक में करना है. सेकंड नंबर है व्हाट इज लाइफ. वाटर इज लाइफ. हाइड्रोस्फीयर है. वाटर इज लाइफ.
ओके, उसके बाद डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन इन शॉर्ट नॉट डेमोक्रेसी के रूल्स। After natural disaster, name the natural disaster. Name of natural disasters: first earthquake, second volcano, third tsunami, fourth flood, rock storm, forest fire, and landslide. Okay. Let's think. Why were the European traders successful in establishing their rule in India? Second number, how did the reforms introduced by the British benefit the India?
सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिफॉर्म टू इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश बेनिफिट द इंडियन, उसमें लिखना है। फर्स्ट नंबर का पेंडिंग रहेगा अभी। सो उसमें आएगा, इफ आई लिव इन अ रीजन ऑफ अ डेड वॉल्केनो आई शैल गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स, एज मैग्मा सॉइल इज वेरी ओके। आफ्टर वाई आर मोर पावर गिवन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड हैज 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस एंड वेरियस पेट्स। बहुत लेंथी है उस जो क्वेश्चन मैंने बोला, उसमें ये 7 और 8 नंबर का दोनों लिखना है। सेवन और एट नंबर का है वो। सेवन एट नंबर का उसके अंदर ही फोर्टीन नंबर का है ना वो लिखना है। तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन में आएंगे।
ओके फोन में कर गया. उसके बाद व्हाई डिड द यूरोपियन डिस्कवर अ शी रूट टू इंडिया. फर्स्ट ये सब हमें आ ही चुके हैं. रिविजन मतलब रिपीट हो रहे हैं. जो नहीं आया कि वही इसमें भी है. ओके आफ्टर विच इंटरनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर. How has modern life in India benefits? From the reforms introduced by the British for there. ओके तो रिवीजन 1 भी कंप्लीट हो चुका है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 करेंगे. ओके स्टूडेंट्स बाय.